अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई मैं 11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी काम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। आज मैंने कपड़े चेंज करते बिल्कुल रेडी होने के साथ होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ, तो असल में 11 बजे दुकान हमारी इसलिए खुलती है क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रेशन काम होता है, तो वो लोग देर से दुकान खोलते हैं और ज़्यादातर वो काफ़ी दफ़ा ना दुकान बंद भी रखते हैं क्योंकि काम ज़्यादा होता है इस वजह से। तो फिर अभी मैं काम पे जाने के लिए तैयार हूँ और अभी काम पे जा रहा हूँ और माशाल्लाह से आज मेरा दूसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी रोज़ा रखा था और आज भी रखा है और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ये तो नहीं बोल सकता है कि पूरे रखूँगा, लेकिन कोशिश लाजमी करूँगा और आप सब भी कोशिश लाजमी करना, जो भी मेरे भाई बहन हैं देखने वाले, क्योंकि बहुत सवाब मिलता है, साल में एक ही बार बार आता है रमज़ान। तो खैर अभी मैं जाता हूँ काम पे और अभी फ़िलहाल घर में कोई भी नहीं उठा हुआ है क्योंकि पापा भी सो रहे हैं और नेहा भी सो रही है। मैंने काम पे जाना था तो मैं इसलिए उठ गया हूँ। घर में पूरे घर में सन्नाटा है, मैं उठ के तैयार भी हो गया है तो पता ही नहीं है मैं कि काम पे जा रहा हूँ। ये देखें भाई, पूरे घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। अभी भी बर्तन वगैरह धुले गए और पापा भी यहाँ पर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और नेहा भी यहाँ पर सो रही है। मैं अभी अभी उठा था, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और मैं बस अब जा ही रहा हूँ। ये भी अंदर सो रही है मज़े से, मैं गाड़ी निकालता हूँ और फिर जाता हूँ। चलें भाई, दुकान आज भी बंद थी, अभी मैंने आकर चाबी ली है और अभी जाकर दुकान खोलता हूँ। उस्ताद सो रहे थे तो मैं आज दुकान खुद खोलता हूँ जाके। चलें भाई, दुकान मैंने खोल ली है, औजार बाहर रख दिए और सबसे पहले अंदर की झाड़ू लगाई है मैंने, पूरी साफ़ की है, बाकी ये मिट्टी नहीं निकाली, पूरी दुकान तो खोल दी है। और अभी बाहर से झाड़ू लगाता हूँ क्योंकि बाहर से पूरा फर्श गंदा हो रहा है, बाहर से भी थोड़ी सफाई हो जाएगी और फिर इधर से भी लगा दूंगा तो सुकून से बैठ जाऊंगा और फिर काम आएगा तो काम करना है। ये पूरा फर्श काला हो रहा है, गाड़ियाँ खड़ी कर करके ना टूटा हुआ है भाई। दुकान मैंने पूरी साफ़ कर दी थी और बाहर से भी झाड़ू लगा ली थी, अंदर से भी। और मैंने अभी ये बाहर एक गाड़ी आई है, उसकी क्लच प्लेटें खोली हैं क्योंकि इसकी क्लच प्लेटें ख़राब थी, तो ये अभी मैंने खोली हैं। अभी अंदर आके मैं इनको धोऊँगा और इसके अंदर सिर्फ डालनी है प्रेशर प्लेट और एक होती है क्लच प्लेट, तो इन दोनों में से एक ख़राब है तो एक को धो के और पुरानी वाली वही फ़िट करनी है, दूसरी एक नई लगानी है, मतलब कि एक नई लगानी है और एक पुरानी वाली वापसी साफ़ करके फ़िट करनी है। तो मैं ये अंदर आके तकारी वगैरह साफ़ करता हूँ। ये रही तकारी, इसका हमने साफ़ करनी पड़ती है तो इसको साफ़ करता हूँ और फिर जल्दी जल्दी से इसको धो के फिट करते हैं। भाई मैं जो है कब से गाड़ी फिट करके बैठ चुका हूँ और अभी तक उस्ताद नहीं आए, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कितनी देर में आएंगे, अभी तक तो फ़िलहाल आए नहीं है। इधर उधर नज़र मार रहा हूँ कि आ जाए, अकेला बैठा हुआ बोर भी हो रहा हूँ, काफ़ी देर से मैं फारिग बैठा हुआ हूँ क्योंकि काम तो आया नहीं है। सन्नाटा है, रमज़ान के रोज़े के दिन है तो सब अपने अपने घरों पर आराम कर रहे हैं और कामों पर गए थे। भाई अभी जो ये काम कर कर के हालत ख़राब हो गई है, पसीने आ रहे हैं और गर्मी भी लग रही है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, सबसे पहले मैंने पेट्रोल भरवाना है और फिर उसके बाद जाना है घर, फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँगा। मेरे ख्याल से नमाज का टाइम रास्ते में ही निकल जाएगा और मेरे कपड़े ख़राब हैं, इन कपड़ों में मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो खैर घर पर जाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि अफ्तारी की क्या तैयारी है। और आज का रोज़ा भी माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है, आज पता चल रहा है रोज़ा रखा है मैंने। कल तो फिर घर पे था ना, छुट्टी थी और आज काम पर आया हूँ, पूरा दिन यहाँ पर बैठा था, धूप भी थी, गर्मी भी थी और फिर काम भी कर रहा था। तो फिर अभी निकलता हूँ, पेट्रोल भरवाता हूँ और फिर घर के लिए निकलता हूँ। भाई काम पर से जैसे ही आए, मैंने भाई को जो है ना यहाँ काम पकड़ा दिया डायरेक्ट। जो है ना भाई को मैंने बोला कि इफ्तारी बनाने के लिए बैठ जाएं, फ्रूट वगैरह काटें आप। तो अब जो है ना भाई सिर्फ हाथ मुंह धोया है भाई ने आकर और डायरेक्ट बैठ गए हैं ये सब करने के लिए। पहले मैंने बोला तरबूज को आधा काटें और भाई जो है ना बड़ी मुश्किल मुश्किल से काट रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है भाई को फ्रूट काटने की। हाँ ना, बहुत मुश्किल से कट रहा है, पहले कभी मैंने काटा नहीं है, ये पहली दफा मैं काट रहा हूँ। हाँ क्योंकि टाइम भी तो होने वाला है ना इफ्तारी का। हाँ और क्योंकि पापा और मैं सारा काम भी है, ये पालक भी है तो ये भी है। हाँ इसलिए काट लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। और पापा और मैं यहाँ पर बैठ के सरसों काट रहे थे क्योंकि आज हमने भुजिया बनानी है, इस वजह से मैंने भाई को बोला कि आप फ्रूट काटें और हम दोनों मिलकर यहाँ पर ये कर रहे हैं। और भी काम है इफ्तारी के, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला काम कर लें उसके बाद फिर करेंगे। भाई अभी इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है, 15 से 20 मिनट, और नेहा यहाँ पर किचन में बना रही है चिप्स। इसने अभी अभी तेल डाला है इसके अंदर और ये रहे इसके चिप्स। इसको नेहा को चिप्स पसंद है, कल ये बोल रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया था
कि नहीं पकोड़े भी हैं और फ्रूट भी है, शरबत भी है, तो आज असल ये में पकोड़े नहीं बहुत बना रहे ज़्यादा हो ना हम, जाएंगे। इसीलिए हाँ, क्योंकि हम तीन ही तो लोग हैं और चिप्स भी हो जाती है और फिर पकोड़े भी थे, फ्रूट भी था और फिर खाना भी था, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है। तो खैर, अभी ये आज चिप्स बनी है, आज पकोड़े नहीं बना रहे। चले भाई, अभी इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला है, 1 मिनट हो, 1 मिनट बाकी होगा या 2 मिनट है ना। हाँ 1-2 मिनट और बाकी ये है देखें, थोड़ा। ये रही हमारी इफ्तारी, आज मैंने खुद काटी है क्योंकि नेहा और पापा बिजी थे, तो और नेहा ने ये पापड़ भी तले, ये स्पेशल चिप्स अपने लिए बनाई है क्योंकि इसका चिप्स खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल था। तो खैर, अभी हम इफ्तारी करते हैं, अजानें भी हो चुकी हैं शुरू। भाई अभी इफ्तारी वगैरह कर ली है और पेट भी भर लिया है और मैं नमाज़ भी पढ़ के आ गया हूँ। और आज का रोज़ा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं काम पर गया था, तो मैंने सोचा था कि काम पर जाऊँगा तो खैर रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाएगा, लेकिन खैर अच्छा अच्छा रोज़ा गुजरा माशाल्लाह। पता ही नहीं चला कि रोज़ा था भी या नहीं, क्योंकि सुकून था। दुकान पे पूरा दिन छाँव थी ना, पहले जगह पे दुकान थी मेरी, जब मैं रोज़ा रख के जाता था तो सामने पूरी धूप होती थी, पूरा दिन में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये जो दुकान है इस पे बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है, और पूरा दिन सुकून से काम भी किया और रोज़े का भी नहीं पता चला। और खैर अभी इफ्तारी तो कर ली है, अभी पापा और नया किचन में खाना बना रहे हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि क्या बन गया और खाएंगे क्या। भाई पापा अंदर लेटे हुए हैं और नेहा यहाँ पर आटा गूंदने आई है, यहाँ पर रोटी बनाने, और आज हमारे घर में सालन में बन रहे हैं भुजिया क्या, हाँ, सरसों की भुजिया बन रही है। ये दिख देखें, तो ये नहीं रही अभी होगी वैसे। दिख रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है, बस ये थोड़ी सी बाकी है ना, फिर पकने हाँ बस वाली। थोड़ी देर बाद लगेगी, पक जाएगी। हाँ, बस ये पकेगी तो फिर ये खाएंगे। और भाई मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।